गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अभी मैं जा रहा हूँ लाइसेंस अप्लाई करवाने के लिए अपना, एंड मतलब मस्त लग रहा है कि लाइसेंस अप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद कोई मतलब दिक्कत नहीं आएगी कोई भी व्हीकल चलाने में। एंड अभी मैं आया था स्कूल से हो गया मुझे घंटा हो गया आए हुए, तो अभी मैं जा रहा हूँ बुलेट पर। बाकी मुझे जाना है अभी मेरे दादाजी के पास, दादाजी अभी अपने ऑफिस में बैठे हैं तो वो मुझे लेके जाएंगे साथ में, तो वो करवा देंगे मेरे लाइसेंस का। तो अभी फ़िलहाल पहले तो लर्निंग ही बनता होता है, तो लर्निंग बनवाएंगे और उसके बाद बस दो तीन महीने में बस परमानेंट आ जाएगा। तो बाकी फ़िलहाल का इस चलते हैं। अभी फ़िलहाल मैं पहुंच चुका था घर पे एंड मेरा लाइसेंस नहीं बन पाया आज, क्योंकि जो आधार कार्ड होता है तो उसके साथ एक कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर लिंक होता है, तो जो लिंक्ड कॉन्टैक्ट नंबर था वो था पापा का पुराना नंबर। तो वो नंबर में क्या था कि वो बंद हो चुका था, तो उस पर ना OTP जाता है, तो OTP वही हमें ना उनको पकड़ाना होता है, जो मतलब वो पूछते हैं ना OTP जो कर रहे होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस का काम सब कुछ। तो हमने उनको फिर बताया कि ये तो नंबर ही बंद हो रखा है, तो उन्होंने कहा कि पहले इसको मतलब जो नंबर है उसको आधार कार्ड से मतलब लिंक करवाओ, मतलब या तो मेरा नंबर लिंक करवा देंगे या फिर पापा का न्यू वाला, तो उसको लिंक करवाना पड़ेगा और उसके बाद फिर शायद परसों तक तो मेरा वो लाइसेंस बन जाएगा, पर वो दूसरा लर्निंग का तो वो देखते हैं। बाकी अभी अरमान और मामा की फिर से चल रही है कंट्रोवर्सी। क्या चल रही है कि ये जो ये ना अरमान के लिए ये पैंट आई थी न्यू, देखो अब ये पहन ही है, एक ये है एंड एक टी शर्ट है, कहते मुझे तो पैंट पसंद नहीं आई। तो बाकी फ़िलहाल अभी दोनों भी डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी क्या पहनेंगे, देखो इतना शोर कर रहे हैं ना दोनों। और अभी अरमान गया नहाने के लिए, फ़िलहाल आज मुझे लाइसेंस के कारण ही छुट्टी मारनी पड़ गई ट्यूशन की। चलो कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल मैं कपड़े चेंज करता हूँ एंड फिर आराम से गाइस एक बार थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। बाकी कल है दशहरा तो कल देखेंगे क्या सीन बनता है। एंड फ़िलहाल गाइस आज मेरी शाम वाली ट्यूशन भी नहीं है, तो लेट्स सी, पहले बस कपड़े चेंज कर लेते हैं गाइस। फ़िलहाल कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे एंड अभी मैं लगा रहा हूँ बुलेट को, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी दादी जी के साथ थोड़ा जा रहा हूँ मैं काम, तो देखो इसको स्टार्ट करते हुए फिर बेस वाली साउंड आती है अच्छी लगती है वो। तो फिलहाल गाइस चलते हैं अभी। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं घर पे एंड दादी जी को भी मैंने छोड़ दिया आधे रास्ते पे, तो दादाजी ले जाएंगे उनको, मतलब दादाजी लेके गए हैं, वो गए हैं गाँव दादी जी, तो बस आ जाएंगे वो भी हफ्ते के बाद आ जाएंगे, तो क्योंकि गाँव में भी उनका रहना ज़रूरी है। एंड बस अभी मैं पहुँचूँ घर पर, तो जो काम करना था वो तो हो चुका है एंड अरमान का भी ट्यूशन का टाइम हो रहा है, तो शायद इसको भी छोड़ के आना, पूछता हूँ इससे मैं एक बार। अरमान तेरा टाइम हो गया ट्यूशन का? ये वो उसी वजह से कल से खेल रहे, कुछ नहीं हो सकता है। चल ट्यूशन कितने बजे तेरा, कितने बजे? भाई इसको अपने ट्यूशन की टाइमिंग ही नहीं पता, देख अब कह रहे 4:15 में है। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ अरमान को लेने के लिए ट्यूशन से एंड फिर बाद में मैं जाऊँगा गुरुद्वारा साहिब, वहाँ पर बस थोड़ा माथा वगैरह टेक के आएंगे। बाकी मम्मा भी गुरुद्वारा साहिब में ही हैं तो अरमान को भी ले चलेंगे। तो फिलहाल गाइस चलते हैं बुलेट पे जाते हैं। आ गए थे घर पे एंड अभी हम जा रहे हैं अपनी कार लेने के लिए, कार हमने की दी थी सर्विस के लिए एंड बाकी उसमें आगे के जो फ्रंट शॉक करते हैं वो भी थोड़े ख़राब हो गए थे, तो आई थिंक वो ठीक करवाए हैं और बाकी वॉशिंग वगैरह करवाई थी बाकी। तो अभी मम्मा मुझे और अरमान को लेके जा रहे स्कूटी में, अभी आए थे गुरुद्वारा साहब से, तो बस कार लेते हैं और फिर वापस घर आते गए। और अभी फ़िलहाल मैं हूँ कार में, बाकी अच्छी तरह से धो दी है, वॉशिंग करवा ली थी गाड़ी की एंड बस मैं शॉकर्स वगैरह चेक कर रहा था कि शॉकर्स सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, अब न्यू डले हैं दोनों आगे के तो सही लग रहा है। अभी मैं बस राइड लेके आऊँ, टेस्ट किया अभी तो सही है वैसे एंड अभी बस चलते हैं फिलहाल घर पे, मम्मा और अरमान के स्कूटी पे, बस मैं कार बस अंदर लेके जाता हूँ घर के। यार मैंने लगा दिया गाड़ी अंदर, तो बस मम्मा और अरमान आ रहे, पता नहीं कहाँ पर रह गए, स्कूटी पे थे वो। चलो अब मैं जाता हूँ ऊपर, बस ऊपर जाके पढ़ते हैं एंड बस और भी काम ही है। एंड गाइस कल है दशहरा, तो दशहरा का कल सीन देखेंगे क्या बनता है, बाकी कल तो चलो हॉलीडे है स्कूल से भी, तो फिलहाल अब मैं कल आराम से लेट उठूँगा क्योंकि अब इतने दिनों से ऑर्गाइज मेरी ना 2-3 लूज ब्लॉग्स की ना एडिटिंग भी पड़ी है, तो अभी बैठ के बस मैं पहले बस स्टडी वगैरह करके
एंड फिर एडिटिंग पे बैठता हूँ, क्योंकि फिर नहीं तो बस मम्मा ही कहेंगे फिर कि तू पढ़ता तो है नहीं और फ़ोन पे बैठा रहता है। तो गाइस फिलहाल लॉक लगा हुआ है तो लॉक को खोलते हैं एंड चलते हैं अंदर। गाइस सर फिलहाल डिनर वगैरह कर लिया था एंड बाकी अभी मैं स्टडी करके आता हूँ। यहाँ पर दूसरे वाले रूम में अरमान अपना पढ़ रहे हैं, तो दिखा दे क्या पढ़ रहा है, ये देखो क्या कर रहे हैं। वो नहीं होती वो फ्लिप बुक, हाँ फ्लिप करके वो जो मतलब वो देखो ये देखो करेक्टर बना रखे हैं स्टिक मैन का, तो उसको ये आगे दिखा रहा है। पहले मैंने ऐसे करा फिर ऐसे फिर ऐसे। अच्छा वो मतलब यूँ पेजेस फ्लिप होते हैं तो वो मतलब यूँ लगता है कि मूवी जैसे चल रहे हो कुछ। चल आ जा उस वाले रूम में। दो गाइस अभी हो गया सोने का टाइम, क्योंकि अभी टाइम बज रहे हैं 10:20 हो गए हैं, आ जा जल्दी आ जा। तो गाइस फिलहाल अभी प्लान बन रहा है बस सोने का, तो अब सोते हैं बस। तो गाइस अभी फिलहाल मैंने कर लिया एडिटिंग, तो बस सोते हैं। तो गाइस ये था आज का ब्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को जाकर लाइक कर दो, चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। दिस इज़ अ चस्ट फॉर साइनिंग ऑफ, बाय।